सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का केबीएस ट्रीटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। ये केबीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना भी है और जो आ भी सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू करिए हमारे साथ में। पूरी वीडियोस में ये क्वेश्चंस आपके साथ चैप्टर वाइज की जो आपकी डिमांड थी उसी पर लगा हूं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस के लिए तैयार करवा रहा हूं। यानी कि कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने साथियों से कलेक्ट करवाए हैं, जो हमारे साथ जो मेरे बंधुवर काम करते हैं उनसे मैंने कलेक्शन ये क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन मैंने टिक करवा लिए और ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। इन क्वेश्चंस में से ये मान के चलिए कि आपको बहुत मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपका एक बड़ा शिकायत थी कि सर ये क्वेश्चन ब्लर हो जाते हैं, दिखते नहीं, तो मैंने झंझट ही हटाओ यार, इन्हें लिख करके दो। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है वो भी आपको दिखा रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया है सीओ, कोबाल्ट वाला है, सीओ सी एल थ्री डॉट सिक्स अमोनिया सिक्स एन एस थ्री। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है केसीएल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है इन्होंने FeSO4 डॉट सिक्स एच टू, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने लगा दिया गया है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट सिक्स एच टू ओ। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, शायद आपका जवाब जो होगा वो पहले वाले को टिक कर देगा। अब ऑप्शन में पहला वाला आंसर तो ठीक है, लेकिन क्यों ठीक है? क्योंकि आपने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जाना होगा कि इसके अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, वो सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया है। जब प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स वाला आंसर आपका यही सही होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसी तरीके से लगाइए हमारे साथ आज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चल लेते हैं। तो ये कंपाउंड दिया है CuSO4.5H2O, तो यहां लिखा हुआ है CuSO4.5H2O.5H2O is like a coordination compound। ये coordination compound की तरह behave करता है ना? Coordination compound represented as लिख देता हूं, represented as कैसे represent किया जाता है तो ये आपको बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर वन दिया है CuCuH2O का होल फाइव ऐसे कर सकते हैं SO4, या दूसरा ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही होगा ऑप्शन बताइएगा। यहां दिया है CuCu ब्रैकेट में दिया है H2O का होल फोर, यहां H2O का होल फोर दिया है और ब्रैकेट क्लोज के बाद यहां पर SO4.H2O दिया है। सी ऑप्शन जो भैया दिया है वो दिया है वही आपको पता। अब आप शायद समझ भी चुके होंगे जहां जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। यहाँ थ्री होल थ्राइस कर दिया, पूरे ब्रैकेट को बंद किया, बाहर SO4 लगा दिया है ना, डॉट टू एच टू ओ कर दे रहे हैं। और डी ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो दिया है CuH2O का होल ट्वाइस और यहां पर SO4 हो गया .3H2O। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि
कि जो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा बी है ये वाला एक्सेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो आप आंसर भी समझ लीजिए, इसको समझते भी चलते हैं तो इसलिए आराम रहेगी, ज्यादा कम क्वेश्चन होंगे लेकिन बढ़िया हो जाएंगे, है ना। ये एक क्या है, मोनोहाइड्रेट कंपाउंड है, ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन है ये मोनोहाइड्रेट है, पहले तो ऑप्शन में ये है कि ये मोनोहाइड्रेट है, ठीक है। मोनोहाइड्रेट का मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें बाहर की तरफ बना हुआ है, और यहां पर मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालूंगा तो Cu डाई पॉजिटिव फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा, एक बात। तो इसका मतलब हुआ कि इस कंपाउंड में H2O और SO4 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर यही बी यहां पर सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं कि H2O joined as क्या बन जाएगा, joined as ना लिखें, joined to SO4 लिखता हूं, joined to SO4 डाई नेगेटिव बाई किससे, बता देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखे दे रहा हूं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेलेक्टिव है जो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सब सेलेक्ट किए हुए हैं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इन विच केस, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन विच केस, वैसे मैं लिख के इसको फोटो खींच के भी डाल सकता था लेकिन मैंने सोचा लिखूं ज्यादा बढ़िया रहेगा। इन विच केस EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज मैक्सिमम, कहां पर क्रोमियम का जो नंबर है वो मैक्सिमम होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है CrCn का होल 6, यहां है CrCn का होल 6 हो गया, और ऊपर लगाया गया है आपका 3 नेगेटिव, यहां 3 नेगेटिव लगाया गया है। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां लिखता हूं Cr और यहां H2O का होल 4 लिखता हूं, H2O का होल 4 लिखता हूं, और NH3 का होल ट्वाइस कर देता हूं और ऊपर लगा देता हूं इस तरीके से, ऊपर 3 पॉजिटिव। इसके बाद सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, Cr H2O का होल 4 हो जाएगा, और यहां पर दिया C2O4 ऑक्सलेट आयन, C2O4 दिया है, और C2O4 इसके बाद हो जाएगा, इसके ऊपर कितना दिया है इन्होंने, 1 पॉजिटिव दिया है, और डी ऑप्शन दिया है कि इक्वल इन ऑल केसेस। तो अब यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, इक्वल इन ऑल केसेस, सभी केसेस में सेम है। तो मैक्सिमम का मतलब यहां ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं आंसर निकालना चाहता हूं तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आ रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस का 3 आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर, यहां ऑक्सलेट आयन 2 है और ये ऊपर दर है, ये भी प्लस थी, तो सभी में मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ऑप्शन में लगा लेता हूं डी, इन सभी में सेम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो यहां पर मैक्सिमम कहीं पर भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कोऑर्डिनेशन के एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन। इन ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं, आप मैंने बहुत सी वीडियो देखी, ये क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं मिलेगा। MgEDTA उसके ऊपर लगाया है इन्होंने 2 नेगेटिव, है ना। EAN ऑफ Mg, तो यहां लिख देता हूं EAN ऑफ Mg, Mg का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो यहां पर मैं एक जवाब और एक क्वेश्चन भी आपसे भी पुटअप करूंगा। ए ऑप्शन दिया है यहां पर 16, ए ऑप्शन 16 दिया है, बी ऑप्शन यहां पर 20 दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है आपका 22, और डी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है आपका 18। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा वो आपको जवाब देना है। तो जवाब आपके सामने अगर भाई जवाब देने का अगर आपका मामला सेट होता है तो फिर मैं आंसर निकालता हूं। सबसे अच्छा तरीका है कि आंसर निकालिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब आप निकालेंगे Mg का, तो यहां पर EAN इज इक्वल टू हो जाएगा, EAN इज इक्वल टू, एक तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, 12 हो गया।
ठीक है, इस पे माइनस दो चार्ज लगा है तो दो हो गया। इसके बाद लिगेंड कितने जुड़े, ईडीटीए जो होता है हेक्साडेंटेट है, एक ही जुड़ा हुआ है और टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि प्लस टू इंटू नंबर ऑफ डोनर साइड कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका इसका 6 × 12, यानी कि ये हो गया 12 और 12 माइनस 2 और आपका प्लस का हो गया 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका प्लस का 6 होता है तो प्लस का 12 आ गया, टोटल आ गया 12 × 24 में से 2 गए 22 आ गया, यानी आंसर जो आना चाहिए वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। बहुत ही स्टैंडर्ड और अपने में हट के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप जरूर देखते रहिए। समय आपका लूंगा लेकिन समय के बदले आपको एक बहुत अच्छी चीज भी दूंगा, ये भी तय है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ए लिगेंड, तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज लिगेंड, जो लिगेंड की तरह रिप्रेजेंट न हो सकता हो वो इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन आपके सामने NO दिया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन आपके सामने NH4 पॉजिटिव दिया गया है, NH4 पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है NH2, CH2, NH2। एक ऑप्शन आपके सामने ये भी दिया गया है, एक ऑप्शन आपके सामने ये CO भी दिया गया। तो इसमें से कौन सा लिगेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कभी भी इस अमोनियम आयन को लिगेंड की तरह बिहेव करते नहीं देखा, बिकॉज यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा क्यों है, तो बिकॉज इट कैन नॉट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है, इसीलिए परफेक्ट आंसर फिर भाई साहब यही होना चाहिए। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, CrCl3.4H2O will be, तो ये क्या हो जाएंगे ये आपको बता देता हूं, यानी कि will exist as, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो आंसर नंबर हमारे सामने ए हो गया, ए ऑप्शन में क्या हो गया, CrH2O का whole thrice, Cl3, और इसके बाद हो जाता है यहां पर ये इस तरीके से H2O, एक ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन चल रहा है इसमें Cl2 और यहां पर Cl हो जाता है। सी ऑप्शन में हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद यहां पर डी ऑप्शन है None. ये चल रहा है यहां पर। तो ये मैं आपसे बता रहा हूं कि यहां पर आंसर नंबर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी कौन सा सही होना चाहिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपके सामने, पहले तो मैं आपको ये तरीका बताता हूं कि सबसे पहले इसका क्रोमियम का क्या निकालिए, क्रोमियम का आपको निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है, इन सब में 6 आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में ही 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वही इसके ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन नंबर फिर सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका कितना आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, प्लस का 3 देख लीजिए। तो ये आंसर ही इसका एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा, है ना, क्वेश्चन बढ़िया। तो यार आप लोग मेरी वीडियोज लगातार देखते हैं, सब कुछ पूरा लाभ उठाते हैं आप, लेकिन शायद आपका जहन ये नहीं कहता
कि एक कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें। पूरी वीडियोस देखते हैं दो दो घंटे की, आप मुझे पता है, लेकिन कोई भी इंसान ये जहमत नहीं उठाता। वो ये समझते हैं कि यूट्यूब पर बेचारे टीचर डाल रहे हैं वीडियो, इनके पास समय है, ये फालतू बैठे हैं इसीलिए क्वेश्चन डाल रहे हैं। इसे 10-5 चैनल हम लोग देख लेंगे, ऐसे ही कुछ और भी मिल जाएंगे, जैसे अनुसर है ऐसे 2-4 और ढूंढेंगे, उनके चैनल हमें मिल जाएंगे, तो हमारा ये अपना काम चलता रहेगा। और ये लोग तो बेचारे हैं ही इसीलिए, बने ही इसीलिए हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भैया कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जब वीडियो देखा करिए, किसी की भी, मेरी नहीं किसी की भी देखिए, तो एक कमेंट आप जरूर डाल दीजिए अच्छा सा, जिसका इंसान इस वीडियो के थ्रू इंतजार कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको भी कुछ उसकी दुआएं मिल जाए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, अपने लिए नहीं सबके लिए याद रखना, कि आप अगर दवा खाते हो और दुआ नहीं लेते हो तो हो सकता है वो दवा आपको फायदा ना करे। ये मेरा मानना है, वैसे आपकी मर्जी, कमेंट डालिए ना डालिए, लेकिन जब अच्छा कमेंट लिखोगे तो दिल से हो सकता है इस क्वेश्चन के अलावा कुछ दुआएं भी आपको शामिल हो जाएं और वो दुआएं आपका जीवन बदल दें। क्योंकि मुझे इतना पता है 100% कि दवा के साथ अगर दुआ नहीं लगी तो कोई ताकत नहीं जो आपको ठीक कर दे। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देखा करिए, तो उसमें जो है वो कमेंट एक जरूर लिखा करिए। ये एक कंपाउंड है, इन दोनों में ऑप्शन दिया है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में SP3 इन बोथ केसेस लिखे दे रहा हूं, इन बोथ केसेस लिखे दे रहा हूं। यहां पहले में SP3 और दूसरे वाले में दिखा रहा है DSP2 दिखा रहा है, और DSP2 दिखा रहा है उसके वाले, इसके बाद नेक्स्ट वाले में दिखा रहा है DSP2 एंड SP3 दिखा रहा है, और चौथे वाले ऑप्शन में DSP2 एंड दिखा रहा है DSP2 इन बोथ केसेस। तो ये वाले क्वेश्चन में मुझे जहां तक आंसर इसका सही लग रहा है, जहां तक सही क्या लग रहा है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट यही पता है कि इसका आंसर भैया जो है वो कौन सा होना चाहिए। ये तो आपको भी पता होगा यार कि इसमें DSP2 होती, इसमें SP3 होती, तो आंसर नंबर 4 पर टिक करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, लेकिन पेयरिंग के बाद भी एक डी ऑर्बिटल वैकेंट रह जाती, एक डी ऑर्बिटल क्या होती है, वैकेंट रह जाती, क्योंकि निकिल यहां पर जो होता है वो निकिल डाई पॉजिटिव फॉर्म में, जबकि इसके केस में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इसीलिए डी खाली नहीं हो पाती और हमें SP3 यूज करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार अगर आप करते रहेंगे ना, तो मुझे भरोसा है कि आप जो है वो पूरा अपना काम करेंगे और एग्जामिनेशन में भी आप 100% पास होंगे, ये भी तय है, ये भी तय है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें ना छोड़ा करिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज ना छोड़ा करिए, उनको देखिए समझिए और अपने स्तर से इनको जो है वो पहुंचा दीजिए वहां जहां इनको पहुंचना चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिए। इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग वीडियोज लगातार मेरी देख रहे हैं, दो दो घंटे देखते हैं, क्योंकि वो सब मेरे डिटेल में आ जाता है, लेकिन आपसे कोई भी कमेंट की जो मैं उम्मीद करता हूं वो कमेंट मुझे नहीं मिलता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन में और आपके सामने ला रहा हूं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे रहा हूं, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, shows geometrical isomerism. Cr H2O का होल 4 एक प्लस लगा है, B ऑप्शन दे रहा हूं पीटी NH3 का होल थ्राइस Cl,
उसके बाद सी ऑप्शन दे रहा हूं, सीओ एनएस थ्री का होल सिक्स ऊपर तीन प्लस। डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कोबाल्ट सीओ और सी एन का होल फाइव। अब आप कह कहीं कोई लोग ये भी कमेंट कर देंगे अभी थोड़ी देर में, सर आप इन क्वेश्चंस को पहले ही लिख लेते। तो भाई साहब ये सब राय आप न दे करके मुझे लगता है कि आप पूरा आनंद लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। राय नहीं, राय वो दीजिए जिसमें कुछ फायदा आपको लगता है कि सर ये हमें अच्छे से बता सकते, तो उसमें राय दीजिए आपको अच्छा लगेगा। इसमें कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिस और ट्रांस वाली कंडीशन चाहिए होती है, या फेस फेसियल मेरिडियनल वाली कंडीशन चाहिए होती है। तो यहां पर मुझे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन मुझे एक ही सही समझ में आता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर ए दिया हुआ, यही एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन दिखा रहा है, बाकी मुझे कोई कंडीशन दिखा नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। इसके आइसोमर बना करके भी दिखा देता हूं आपको। देखो यहां पर ऐसा करता हूं, एक ये बना लेता हूं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है कोऑर्डिनेशन की ये वीडियो, यहां पर सी आर बना लेता हूं। यहां पर ये गंगा जल ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, इस बात का आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ना आपसे ये बोले सर आपने गलत गलत कुछ नहीं, मैं गोले में डाले दे रहा हूं, ये सब H2O है जो चारों तरफ जुड़े हुए हैं और एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, ये मैंने ट्रांसफॉर्म बना दी है। अगर आप इसकी सिस बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, सिस कैसे बनाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर Cr हो जाएगा, यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा, और यहाँ पर भी Cl लगा लीजिए, यहाँ पर वाटर लगा लीजिए, यहाँ पर भी वाटर लगा लीजिए, यहाँ पर भी वाटर, और यहाँ पर आप वाटर, तो ये आपकी सिस फॉर्म हो जाती है। तो ये हो गई आपकी ट्रांसफॉर्म, ये हो गई आपकी ट्रांसफॉर्म, और ये हो जाती है आपकी सिस फॉर्म। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा जरूर। कारण ये कि ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, इनमें से आ भी सकते हैं। यार ध्यान दो, अनुसर ऐसे ही नहीं क्वेश्चन बनाते, बाकी तो जितना केवी पीजीटी को पढ़ा रहे हैं, केवी के नोट अपना चैनल चला रहे हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो सेलेक्टेड हो, सब नॉन सेलेक्टेड लोग ही आप उनकी वीडियोस को, हाँ ये जरूर है कि पढ़ाने का अपना एक अनुभव है और उनका तरीका है वो अच्छा है, इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर तैयार होता है कि दो ही चार लोग, बहुत हार्डली मैंने एक लोग देखे हैं जो ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन जो लोग पढ़ा रहे हैं सभी सम्मानित हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको बताऊं कि फर्क होता है कि क्वेश्चन कौन कहाँ से लाता है, ये फर्क है बस, बाकी कोई फर्क नहीं, सभी अध्यापक है, सभी को पढ़ना भी चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत हैं, कोई एक लोग ने तो मेरे पास कमेंट भी ऐसा भेजा था जिसको शायद मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि साहब एक बार में सब पैसा ले लो, सब क्वेश्चन मुझे एक बार में दे दो, तो उन्होंने तो अपनी मम्मी का दूध पिया था, बाकी दुनिया ने जो गधे का पिया हुआ है ना, होशियारी बहुत है लोगों के अंदर, दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बोलते हो इसलिए शर्म नहीं लगती, क्योंकि जो बोलता हूँ दावे के साथ बोलता हूँ, इसलिए ना तो कुछ कहने में डर लगता है, ना बोलने में डर लगता है, ना झिझक लगती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे कमेंट आप ना लिखें तो बढ़िया ही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा NiCO का होल फोर, ये लिख दिया है, और यहाँ पर ये मैंने यहाँ दूसरा दिया निकिल निकिल H2O का होल फोर, बातें भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, आनंद लीजिए पूरा, है ना, मजा लीजिए आप, इंटरेस्ट लीजिए, कमेंट सही अच्छा लगे तो लिखिएगा, दिल ना करे तो कोई बात नहीं भाई, आपके ऊपर है। आज मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों ने बहुत वीडियोस मेरी अभी तक देखी, लेकिन एक भी ऐसा कमेंट नहीं लिखा जिससे हो सकता है मुझे अंदर से खुशी हो कि नहीं और वीडियोज बनाओ। मुझे लगता है कि यार मेहनत पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे और आउटपुट जो है कमेंट का, कोई वीडियोस तो देख रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन कमेंट में आउटपुट कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मेरा भी मन जो है वो हो जाता है यार छोड़ो, किसके लिए काम कर रहे हो, ये दुनिया बेगानी है। तो यहाँ पर Fe लिया, यहाँ पर CN का होल सिक्स लिया, होल सिक्स लिया, और यहाँ पर आपका फोर नेगेटिव लगा दिया, और यहाँ Fe CN का होल सिक्स लिया, और यहाँ पर तीन नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, कौन से मैग्नेटिक मोमेंट कहां पर जो है वो जीरो हो जाएगा,
तो अब आप मुझे बता दो कि मैग्नेटिक मोमेंट कहां पर जीरो होगा और क्यों जीरो होगा, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि या तो पेयर्ड हो जाए इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तब भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, और नहीं तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूं, देखो एक तो कहां पर कंडीशन दिख रही मुझे, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा 100% करा देगा, देख लो चाहे तो आप, अगर मेरी बात आप नहीं मानते हो, ये निकल दिया है, लाल पेन से लिख रहा था आंसर तो लाली पेन से बता देता हूँ, निकल लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो है, यहाँ पर मैं आर्गन लिख देता हूँ और यहाँ पर 3D8 लिख देता हूँ, 4S2 लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग है ये दोनों, इधर चले जाएंगे कहानी खत्म, यानी कि म्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये निकल में डाई पॉजिटिव आएगा, लेकिन निकल डाई पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वाटर कैसा वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर अब मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स में जीरो होने की संभावना इसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो इसे हटा दीजिए। तो यहाँ मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल, ये नहीं सी नहीं हो सकता है, जहां वाटर होगा फिर वो हटा ही दीजिए, जहां वाटर होगा फिर वो हटा ही दीजिए। अब यहां देख लीजिए, ये ए वाला ऑप्शन देख लीजिए, इस वाले में देखो ये तो मैच कर ही रहा है, ये वाला हिस्सा तो मैच इसका कर ही रहा है। अब इसको और देख लो, सीएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर आर्गन हो गया, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट आर्गन हो गया, और सीएन का मतलब हो गया कि आपका 3D8 हो गया, और 3D8 में लिखता हूं तो ये ऐसे लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ जंप कर जाएगा, तो वो डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही बेटर होगा, यही सही होगा, बेटर क्या होगा, यही ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच हैज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन साइट, यहाँ ऑप्शन दिया एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन, which has maximum coordination site या donor site, किसमें maximum या donor site है, तो option दे रखा है number A दिया है DMG, dimethyl glyoxamate, glyoxamate कर दो, उसके बाद EDTA दिया है, EDTA दिया हुआ है, इसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका EN इथाइलिन डाइएमीन, डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, डी ऑप्शन क्या दिया है भाई, देखो पेरिडीन PY, ठीक, तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम डोनर साइट मुझे EDTA में दिखाई दे रही है, तो EDTA में कितनी डोनर साइट होती हैं आपको पता होना चाहिए कि EDTA में 6 डोनर साइट होती हैं, तो ऑप्शन फिर मेरे हिसाब से यही सही होगा, बना भी लेते हैं। ये हो गया आपका CH2NH2 लिखना पड़ेगा मुझे, पहले यहां लिखता हूं CH2, यहां लिखता हूं CH2, यहां NH दो साइट ये गई, NH दो साइट ये गई, एक साइट ये है एक साइट, टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 डोनर साइट है, यही ऑप्शन इसका बी वाला सही होता है ना, बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो भी जान लीजिए, मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी बहुत है। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ विच आयन, आर नॉट काइनेटिकली लेवाइल, ठीक है, तो कौन सा आयन जो है काइनेटिकली लेवाइल नहीं है, ये बात आपको लगानी है, नहीं वाला ऑप्शन लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन ही पूरा कर दूं कौन सा नहीं है, तो ए ऑप्शन ले लीजिए, ए ऑप्शन दिया है Cu डाई पॉजिटिव, Ni डाई पॉजिटिव, आज अगर आपने कमेंट इस वीडियो पर डाले तो अगली वीडियो चैप्टर की खट से आ जाएगी
और नहीं डाले तो मैं भी साइलेंट। मुझे तो इस बात की टेंशन है ही नहीं कि बहुत हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग जो है वो देखें, लेकिन देखेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आगे की तरफ एक्टिवेट होता चला जाऊंगा। आप नहीं देखोगे, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेशन पैदा होगा, और डीएक्टिवेशन जब पैदा होगा तो फिर मुझे भी लगेगा यार ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। तो इन सब चीजों से मैं चाहता हूं मैं भी एक्टिवेट रहूं और आप भी एक्टिवेट रहे। देखिए इसमें 11 मतलब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 दिख रहा है, इस 11 के ऑप्शन क्या हो सकते हैं ये आपसे मैं इंतजार कर रहा हूं। देखिए अब अगर मैं सबकी यहाँ पर एटॉम ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी लिखी हुई है, अब यहाँ मैं काइनेटिकली अगर लेवाइल की बात मैं करना चाहता हूँ तो आखिरकार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो चीज मैं आपको दिखाऊं। देखो अगर मैं इनके निकालता हूँ हाइब्रिड कन्फिग्रेशन लिखना चाहता हूँ, सब पहले सीयू डाई पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, सीयू डाई पॉजिटिव का, तो हो जाएगा यहाँ पर आर्गन 3D8 हो जाएगा, 4S0। ठीक है, उसके बाद आ जाता है निकिल डाई पॉजिटिव में, तो ये आ जाता है आपका आर्गन 3D8 हो जाएगा और 4S हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव, तो ये आर्गन हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 3D3, और क्योंकि 3 पॉजिटिव है ना तो 3D5 4S1 होता है, एक उधर से जाएगा दो इधर से चले जाएंगे। कोवाल्ट में आ जाइए, अब देखो यहीं कुछ आंसर मिलने लगा होगा आपको, आर्गन ले लीजिए और 3D7 होता है, वो भाई 3D7 4S2, तो दो इधर से गया फिर यहाँ पर आ गया आपका 6 आ गया। तो अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, वेनेडियम तो हटाई, टाइटेनियम में तो सब खत्म ही हो गया, इनमें से ऑप्शन मुझे जो एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ 3D में 3 है, अगर मैं इनको दो लेवल में तोड़ता हूँ, एक तो T2G लेवल, EG में तो 1 2 3, और यहाँ पर भी अगर मैं तोड़ता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन में, तो वही कंडीशन 1 2 3 दिखाई आपको दे रहा होगा, 4 5 6, तो दोनों ही काइनेटिकली लेवाइल मुझे समझ में आते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन मैं इसका बी सेट कर लूं, बी ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए। दोनों में ही यही कंडीशन हमें सेम दिखाई दे रही है, सेम का मतलब है दोनों एक सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, है ना, दो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना, तो विच पेयर इज नॉट एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन आखिरी है, इसके बाद और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन विच मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर डालेंगे, विच पेयर इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्लीमेंट्री कलर्स, पहला ऑप्शन दिया है ऑरेंज ब्लू, दूसरा ऑप्शन दिया है येलो पर्पल, तीसरा ऑप्शन दिया है ग्रीन पर्पल, चौथा ऑप्शन दिया है रेड ब्लू, रेड ब्लू ग्रीन, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 12 कह रहा है कि कौन सा, तो हमने येलो का जो है कभी भी पर्पल आपका कंप्लीमेंट्री नहीं देखा है, आपको मैंने एक वीडियो देखिएगा आपको सर्कल करके बताएं कौन किसका कंप्लीमेंट्री होगा, इस तरीके से मेरी वीडियो में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट हो जाता है। तो ये कुछ 12 क्वेश्चन मैंने आज डाले, ये 12 इसलिए डाले कि आप कोऑर्डिनेशन के ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाइए जो मैंने आज बताए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आप लगाते हैं देखते हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो आपने देखा होगा इसको लगाइए, और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन से लगातार किसी भी PGT लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करने की हिम्मत रखते हो आप, तो फिर आप मेरे जो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें से अगर कोई भी आपको ऐसा कोर्स लगे जो आपका यूजफुल है तो उस पर जाके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, 12 क्वेश्चन है, कमेंट अगर आज आए इस वीडियो पर तो अगली वीडियो इसी के 12 क्वेश्चन को 120 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो। थैंक यू।